ऑल इंडिया परिसंघ का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू में होने जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ परिसंघ की टीम पौड़ी के लिए रवाना हुई। युवा प्रकोष्ठ परिसंघ के प्रदेश सचिव श्रीकांत ने बताया, ऑल इंडिया परिसंघ का तीसरा सम्मेलन जम्मू में होने जा रहा है, इसको लेकर उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ परिसंघ और आईटीसीएल के पदाधिकारी और सदस्य सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए जम्मू जा रहे हैं। बताया जा रहा है, जम्मू में होने वाले ऑल इंडिया परिसंघ के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज और मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव डॉ ओम सुधा की मौजूद रहेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष आरके कलासूत्र के नेतृत्व में होने जा रहे सम्मेलन में दिल्ली के नवनिर्मित देश के संसद भवन का नाम भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने को लेकर पूरे देश के प्रदेशों से बहुजन समाज के पदाधिकारी और सदस्य एकत्रित होकर सम्मेलन करेंगे। श्रीकांत ने बताया, पौड़ी से सम्मेलन में प्रतिभाग करने को लेकर पौड़ी से उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ परिसंघ के युवा भी रवाना हुए। पौड़ी से भगवान सिंह विस्ट की रिपोर्ट। हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है सम्मेलन का, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर ट्रेन से अभी सफर कर रहे हैं, और जो प्रमुख उद्देश्य हमारा है कि जितने भी हमारे लोग हैं, सबके एक ही मांग है परिसंघ के, कि हमारे संसद भवन का नाम, जो नया संसद भवन बनने जा रहा है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संसद भवन हो। और मैं नहीं समझती हूँ कि इसमें किसी आंदोलन की आवश्यकता है। आंदोलन की आवश्यकता तब है कि जब आप किसी जातिगत तरीके से इसे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरे भारत के लिए जो एक योगदान है वो अविस्मरणीय है। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर इस पे हिस्सा लेना चाहिए।